नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एकैड डिजाइनिंग में। यह है ऑटोकैड 3D मॉडलिंग एक्सरसाइज नंबर 65। तो यहाँ पे हमारे सामने एक सिंपल डायग्राम है। इस डायग्राम की मदद से हम इसका 3D मॉडल बनाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। तो सबसे पहले फ्रंट प्लेन पे हम वर्टिकली यहाँ पे ये जो पूरी प्रोफाइल है वो ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ ये वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करेंगे और इन्हें वन बाय वन एक्सट्रूड करेंगे और अपनी जगह पे प्लेस कर देंगे। और आखिर में ये जो कटआउट है दो सर्कल्स का वो हम अचीव करके डायग्राम को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मॉडलिंग। सबसे पहले लेते हैं यहाँ से फ्रंट प्लेन इस तरह से। अब हमें यहाँ पे ऊपर जो है 180x25 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। सेम ही 180x10 यूनिट का यहाँ पे और एक रेक्टेंगल इस बेस के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। तो लेते हैं रेक्टेंगल कमांड और बिफोर डायमेंशंस एक्स वैल्यू है इसकी 25 यूनिट और हाइट के लिए हम 180 एंटर करेंगे और प्लेस करेंगे रेक्टेंगल को। फिर से लेते हैं रेक्टेंगल कमांड, एंड पॉइंट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसका, बिफोर डायमेंशंस 10 यूनिट लेंथ के लिए और विड्थ हमारी रहेगी 180 यूनिट और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब हमें ये जो सर्कल वाला पार्ट है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे डायमेंशंस दे दी गई है, बेस से ये है 70 यूनिट और यहाँ से है 45 यूनिट। तो यहाँ पे एक रेफरेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बेस से हमें डायमेंशन है 70 यूनिट का और इस रेफरेंस लाइन को हमें मूव करना है अपसाइड की तरफ 45 यूनिट के लिए इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें दो सर्कल ड्रॉ करने हैं, फर्स्ट डायमीटर 30 का और सेकेंड जो सर्कल है उसका डायमीटर है 60 यूनिट, यानी यहाँ पे रेडियस 30 दी है तो 60 डायमीटर रहेगा। अब हमें इस कॉर्नर पॉइंट से इस सर्कल के लिए टेंजेंट पॉइंट फाइंड आउट करना है और इसे सिलेक्ट करना है इस प्रकार से। सिमिलरली इस प्रोफाइल को हमें यहाँ पे कॉपी करना है, लेकिन यहाँ पे अगर एक रेफरेंस दिया है 90 डायमेंशन दिया है इसका और यहाँ से हमें टेंजेंट लेना है। तो चलिए रेफरेंस लाइन क्रिएट करते हैं इस एंड पॉइंट से यहाँ पे 90 यूनिट के लिए और यहाँ से हम टेंजेंट पॉइंट निकालेंगे यहाँ पे। तो आप कॉपी करेंगे तो ये थोड़ा अलग से दिखेगा, इसके लिए हम रेफरेंस के साथ ही इसे बनाएंगे। इस रेफरेंस को अब हम इरेज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ ये जो वर्टिकल रेफरेंस लिया है उसे भी हम इरेज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में हमें सॉलिड पार्ट बनाना है तो सेंटर से यहाँ पे 20 डिस्टेंस दिया है। तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस प्रकार की और इसे हम कॉपी करेंगे डाउन की तरफ या फिर मूव भी करेंगे तो भी चलेगा 20 यूनिट। रेफरेंस लाइन को इरेज कर देते हैं और ट्रिम कमांड के साथ अनवांटेड पार्ट सर्कल का और इस एज का भी हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे इस प्रकार से। तो हमारी प्रोफाइल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। होम पे क्लिक करने के बाद SW आइसोमेट्रिक का व्यू ले लेते हैं और हमें इसे वन बाय वन एक्सट्रूड करना है। सबसे पहले हम विजुअल स्टाइल को चेंज करेंगे शेडेड विद एजेस की मदद से और यहाँ पे प्रेस टूल को ले लेते हैं। सबसे पहले हम इस बेस वाले पार्ट को एक्सट्रूड करेंगे यहाँ पे। इसकी एक्सट्रूडेशन वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी 45। अब हम एक्सट्रूड करते हैं ये बड़ा वाला रेक्टेंगल और इसे एक्सट्रूड करेंगे हम 85 यूनिट के लिए इस प्रकार से। अब हम इस बेस पार्ट को एक्सट्रूड करेंगे फर्स्ट यहाँ से। इसकी वैल्यू है एक्सट्रूडेशन वैल्यू सिमिलरली 85 यूनिट। उसके बाद ये सर्कुलर पार्ट जो है उसे हम एक्सट्रूड करेंगे 15 यूनिट के साथ। तो उसके बाद हम इस बेस को मिड पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इस सॉलिड को और इसके मिड पॉइंट से उठा के हमें इस बेस के मिड पॉइंट तक इसे शिफ्ट करेंगे। अब हमें ये जो सर्कुलर पार्ट है उसे हमें कॉपी करना है सिमिलर यहाँ पे। चाहे तो आप इसे मिरर कर सकते हैं या फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड के साथ एंड पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इसे प्लेस कर दीजिए। ये आसानी से कॉपी हो जाएगा। यूनियन कर देते हैं पूरी ऑब्जेक्ट को UNI कमांड से। सब सॉलिड्स को सिलेक्ट करने के बाद ये सिंगल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनकी जो एंटिटी हमने ड्रॉ की है उन्हें हम सिलेक्ट करके इरेज कर देते हैं ताकि हमें इनकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। F7 की मदद से ग्रिड को ऑफ कर देते हैं
और यहाँ पे हमें सर्कल्स ड्रॉ करने हैं डाया 20 और डाया 50 का। तो सबसे पहले हम सर्कल कमांड लेने के बाद डिटेक्ट करते हैं फेस इस प्रकार से, और इसके सेंटर पे ही मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे डायमीटर लेते हैं 20 यूनिट। सिमिलरली इसी सेंटर के साथ प्रोफाइल को फर्स्ट डिटेक्ट करेंगे इस फेस को, और सेम सेंटर के साथ डायमीटर 50 का और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इन दोनों को सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से मूव करेंगे इस डायरेक्शन के लिए, और हमें यूनिट दिया है 42 यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फेस पुल टूल लेते हैं और छोटे सर्कल को डिटेक्ट करने के बाद इसे थ्रू ऑल यहाँ पे कट कर देंगे इस प्रकार से। अब बाहर के सर्कल की प्रोफाइल डिटेक्ट करेंगे, और इसे हमें यूनिट में डिप दिया है 10 यूनिट, तो इसे 10 यूनिट फेस पुल कर देंगे। अब जो सर्कल की प्रोफाइल बची है उन्हें हम सिलेक्ट करके यहाँ से इरेज कर देते हैं। ऑर्बिट की मदद से ऑब्जेक्ट को घुमा के दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि सारे स्टेप्स आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, या फिर कोई सुझाव भी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। एज सून एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।